हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अभी ब्लॉग्स में। आज आया हूँ मैं अपने खेतों में, तो मैं आज दिखाता हूँ आपको कि किस तरह हम धान खेतों में लगा रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे हम एक खेत हमने ये निचले वाला मतलब कर दिया है, इसमें हमने लूंगे वगैरह लगा दिए हैं क्योंकि हमारी साइड लूंग बोलते हैं, आपकी साइड का मुझे पता नहीं है। और ये हमारी बुआ जी खाना लेकर आ गई है और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। अभी खाना खाने के बाद हमने ये खेत भी करना है, लेकिन अभी हमने इसको शुरू नहीं किया है, सिर्फ इसमें पानी लगाया है। और ये है हमारा निचले वाला खेत जो हमने लगा दिया, यहाँ छोटी छोटी लूंगे हमने अभी लगाई हुई है धान की, जो कुछ समय के बाद काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और हमारी मेहनत का फल भी हमें मिलेगा। और इस साइड से लगाया हुआ है हमने पानी, जो कि ऊपर नाले से आता है और हमारे खेतों तक पहुंचता है पानी, जिसकी वजह से हम धान लगाते हैं और आसानी भी हो जाती है धान लगाने में इससे। तो अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, थोड़े से ऊपर जैसे बैठेंगे हम और इस साइड से आता है पानी हमारे खेतों के लिए। तो देखिए आप क्या ही मज़ेदार व्यू है खेतों का, हिमाचल के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा। और साइड खा रहे हैं हम खाना, ये हमारी दादी है और ये बुआ का लड़का है और ये बुआ जी है। और ये रहे हमारे खेत, आज बनाए थे हमने राजमा चावल, देख सकते हैं आप खेतों में नज़ारा लगा हुआ है खाना खाने का। तो देखिए राजमा और साथ में खेत, ऊपर से बारिश भी थोड़ी थोड़ी लगती हुई, तो कितना मज़ा आ रहा है। और ये है हमारी एक और पड़ोसन जो काम करने के लिए आई है, मतलब हिमाचल में एक दूसरे का साथ देने के लिए कोई ना कोई तैयार रहता है, क्योंकि हम भी जब इनके काम था होता है तो हम भी जाते हैं, तो ऐसा होता है मतलब एक दूसरे का काम में हाथ बंटा ही देता है कोई ना कोई। तो ये था मेरा तीसरा खेत जहाँ पर मैं अभी हल लगा रहा हूँ इस साइकिल वाले हल से। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पर पानी लगाऊँगा और ये खेत भी एकदम हमारा बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल पदरा जैसा हो जाएगा। और ये हमारी दादी जी है जो इस टाइम खेत की थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है मतलब बिल्कुल प्लेन कर रही है खेत को। तो साइड अगली साइड हमारे जितने भी खेत दिख रहे हैं वो हमारे ही है, इससे ऊपर वाली साइड, और इसके साथ कर देंगे हम खेत को बिल्कुल प्लेन और खेत हो जाएगा एकदम चकाचक। तो देख सकते हो आप पानी से बिल्कुल भर चुका है और हमारी दादी जी धान लगाने मतलब लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने, पीछे तक लूंगे लगाएंगे। और देख सकते हो आप बारिश भी लग चुकी है, तो दो दो चीज़ें और रखी है ताकि बारिश से भी बचा जा सके और काम भी कर सके। तो ये है हमारे पहाड़ों के नज़ारे हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है हमारे घर, देख सकते हो आप कितना पानी भरा हुआ है। और अभी हम लूंगे लगाकर घर आ गए हैं, मतलब घर को जा रहे हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा व्यू ले रहा था अपने खेतों का, तो इससे ऊपर वाली साइड तो मक्की की खेती करते हैं लोग, लेकिन ये जितना भी नीचे वाला दिखाई दे रहे हैं आपको ये हमारे ही हैं। यहाँ पानी जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने अभी धान लगाए हैं, कुछ समय के बाद यहाँ बदलाव नज़र आएगा